तो हमारा आज का टॉपिक है जब तल दर्पण में किरण आ रही, तल दर्पण में आप रे डायग्राम को कैसे ड्रॉ करोगे। इस टॉपिक को पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच, ध्रुव यानी पोल और अनंत के बीच में हो। तो देखिए सबसे पहले ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ये साइन दे दिया गया। जैसे जैसे जो पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वो याद करते जाइए, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो जाएगा, ये वाला पी, और ये दोनों के बीच का आधा हाफ ये एफ। अब वस्तु को आप कहीं पे भी रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं पर भी रखो, लेकिन जो प्रतिबिंब का जो पोजीशन है वो एक ही बनेगा। यहाँ पे मान के चलिए वस्तु है, क्या बताया गया था, मुख्य अक्ष के समांतर में वस्तु के शीर्ष से होते हुए किरण गुजरना है, जो कि किससे मिलेगा, फोकस से मिलेगा। बट यहाँ फोकस मिलेगा नहीं, बल्कि फोकस मिलता हुआ प्रतीत होगा, किससे मिलेगा। अगर मिलेगा तो स्केल को एक डायरेक्शन में रखिए और उसके बाद फिर इसको ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक, ये तो मिलेगा नहीं, डॉटेड लाइन हो गया, समझे। उसके दूसरा रूल क्या था, वस्तु के सीट से होते हुए सेंटर से एक किरण पास करवाते हैं, तो अगर इससे किरण पास करवाया जाए ऐसे ही ना, देखिए यहाँ से तो यहाँ तक रियल होगा, लाइट पास करवाए फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इसी पथ पे लौट जाएगा, लेकिन इसके सीधा को अगर मिला दें किस पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिलेगा। तो ये दोनों वर्चुअली काल्पनिक रूप से यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, तो जो डायग्राम बनेगा वह क्या होगा, ए बी। तो वो प्रतिबिंब होगा, ए बी का कौन सा प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब का देख लीजिए प्रकृति क्या है, अगर प्रतिबिंब दैट मीन्स कि जब वस्तु कहाँ पर, लिख सकते हो आप, जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने हो यानी अनंत और ध्रुव के बीच में हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे, पी और एफ के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा साइज का बनता है। और अगर देख रहे हैं क्या कि हम लोग वस्तु के आकार का जो छोटा होगा आभासी होगा और साथ में क्या होगा, सीधा होगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा याद रखना है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनेगा, और साथ ही साथ ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा रहेगा। तो आप इसको कहीं पे भी ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, हर एक जगह क्या होगा, सेम टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो जब अनंत पे रखेंगे वस्तु को, तो अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, कोई सेम कंडीशन अवतल दर्पण वाला। तो बस इसका एक मात्र वन कंडीशन था, इसके कारण इसी दैट मीन्स के इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक काम देखते हैं कि एक फील्ड व्यू होता है, तो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के हेडलाइट में दैट मीन्स की साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक, तो क्यों करते हैं, उसका क्या कारण है। अगर आप समतल दर्पण को देखिएगा, ठीक मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर आप समतल दर्पण को देखिएगा, जैसे ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण को देखिएगा तो आपका जो आई है दैट मीन्स कि अगर आपका यहाँ पे है और आप देख रहे हो, समझे, देख रहे हो, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कहीं दैट मीन्स कि दिखाई देगा, समझे, टोटल पोर्शन इधर का तक का ही दिखाई देगा, समझे। बट अगर हम लोग क्या करें कि उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण में मेरा हमारा जो आई है वो आई क्या करता है, यहाँ तक कि जितना भी दैट मीन्स क्या कि ऑब्जेक्ट होगा, इधर भी ऑब्जेक्ट होगा, इसको भी क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। साथ में अवतल दर्पण जो है हमेशा क्या करता है दैट मीन्स क्या कि उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर दैट मीन्स की पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका कभी भी किसी भी पोजीशन पे, चाहे वो बहुत ज़्यादा दूर रहे या बहुत ज़्यादा वह नज़दीक रहे, वह कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बना सकता, वास्तविक नहीं बना सकता। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में आता है क्या कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका रीज़न है कि किसका जो दृष्टि क्षेत्र है वह काफ़ी बड़ा, उत्तल, चूँकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वह काफ़ी बड़ा होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न लिख सकते हो, यह हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समझे। तो ये दो रीजन बहुत ज़्यादा क्या है, दैट मीन्स क्या है कि मेनली इसमें यूज किया जाता है। ये आपको उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग लिख देते हैं, साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट था, बस एक ही डायग्राम है इसका और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। ठीक, तो इसको बार बार आप लोग रिवाइज कीजिएगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग, बैठा दें, चलिए। तो अब हम लोग का जो अगला जो टॉपिक है वह है चिन्ह परिपाटी, यानी कि हम लोग कब माइनस लेंगे कब प्लस लेंगे, उससे रिलेटेड ये सब कुछ कंसेप्ट है। तो हम लोग का जो है अगला चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में क्या है कि इसमें कुछ रूल सब है, जैसे कोई भी दूरी, पहला रूल है कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है, हो गया। दूसरा रूल है कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है आपतित किरण की दिशा में तय की गई दूरी, आपतित किरण की दिशा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक लेते हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, ठीक। जब लेंस के बारे में पढ़ा जाएगा तो सेम उसमें वही चीज है, ठीक। तीसरा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक होती है। चौथा है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु की ऊंचाई पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव यानी वही धनात्मक होती है। उसके फिर पांचवा है, मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु हो या प्रतिबिंब किसी की भी, ठीक, वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव यानी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस लेना। ये साइन कन्वेंशन से रिलेटेड पांच टॉपिक है, पांच फैक्ट है, आपको ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक। तो याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलेंगे तो निगेटिव लेना है, मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे आएंगे तो नेगेटिव। अब समझिए इसको कैसे अप्लाई होगा, अप्लाई कैसे होगा, ठीक। तो इसको उतार लीजिए जल्दी फटाफट, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, मिटा दें। तो अब है, आपको इसी से बहुत सारा फैक्ट मिलेगा और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन है हम लोग का ऐसा, इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये मान के चलिए, ये कौन सा, ये है आपका अवतल दर्पण ना बच्चों। अगर अवतल दर्पण है तो ये वाला पोर्शन ये पी हो जाएगा और ये C और इधर वाला F, ठीक, इतना तो पता है आप लोगों को। उसी टाइप से अगर हम लोग अब उत्तल दर्पण बनाते हैं तो ये उत्तल दर्पण है, हम लोग दोनों का डिफरेंस सेट कर लेते हैं, ये क्या होगा P और इधर वाला क्या होगा C और ये बीच वाला क्या हो जाएगा F। तो अगर हम लोग किरण गुजारेंगे तो इधर से किरण गुजारते हैं, किरण गुजारने के बाद समांतर है इसके समांतर तो ये किससे पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा। तो अगर फोकस से पास करता है तो फोकस से पास करने में क्या क्या कंडीशंस हैं देखते हैं। अगर फोकस से पास किया, सबसे पहले तो इसका पहले फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ फोकस दूरी जिसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ लिख देते हैं फोकस दूरी किसका क्या होगा, फोकस दूरी इससे डिनोट करते हैं इसको एफ से, समझे बच्चों। उसके बाद फिर अगर देखा जाए वक्रता त्रिज्या आर। चलिए अब देखते हैं इसी में कि अब फोकस दूरी क्या होगा और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो फोकस दूरी के लिए क्या करते हैं, फोकस दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है वो फोकस दूरी, ध्रुव और पोल यानी फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपतित किरण कहाँ है, कौन सा आपतित किरण है, ये आपतित किरण के सीधा सीधा चलेंगे तो वो सब पॉजिटिव होगा। तो देखिए कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से, ध्रुव है तो हम किधर आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, फोकस इधर मिलेगा हमको, अब इधर आ रहे हैं, मेरा डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, बट आपतित किरण किधर जा रहा है, उस साइड जा रहा है, समझे बात को। तो विपरीत दिशा में आ रहे हैं कि एक ही दिशा में, आपतित किरण की दिशा इधर है, हम आ रहे हैं इधर, विपरीत दिशा में हुआ, इसका जो फोकस दूरी होगा वह क्या चीज में होगा, नेगेटिव में होगा। सेम उसी टाइप से आपतित किरण की दिशा किधर है, सामने की तरफ उधर, और हम आ किधर रहे हैं,
पोल से लेते यहाँ उल्टा डायरेक्शन में आ रहे, इधर से नहीं मापना, हमेशा पोल से ही मापना है, दूरी को हमेशा पोल से मापेंगे, इधर आ रहे हैं ऐसे ठीक। तो अगर उल्टा डायरेक्शन में आएंगे तो भी वक्रता त्रिज्या क्या चीज में आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, समझे बच्चों। फोकस दूरी क्या चीज में, एफ माइनस एफ वक्रता त्रिज्या माइनस, यानी अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वह क्या होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव होता है, वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब इसका देख लेते हैं, उत्तल लेंस उत्तल दर्पण का, ये रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो पोर्शन है ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस बोलते हैं, समझे। तो अब देखिए, अब हमारा कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, फोकस से, सॉरी पोल से। अब फोकस दूरी बोला जाए, फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी यानी एफ, इसके बारे में बताया जाए तो इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। आपतित किरण की दिशा देखो, आपतित किरण की दिशा इधर है ना, आपतित किरण की दिशा इधर है, अब पोल से हम लोग इधर जा रहे हैं, आपतित किरण की भी दिशा इधर, हम पोल से दूरी भी इधर कर रहे हैं, फोकस तो क्या चीज में आ जाएगा, ये पॉजिटिव फोकस हो जाएगा इसका, समझ में आया बच्चों। आपतित किरण की दिशा की सिर्फ दिशा देखना है, वो डायरेक्ट मन मत देखो कि ये इधर उधर ऐसा हो रहा है, नहीं हो वो सब नहीं देखना हम लोगों को ठीक, हमेशा उसका डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन इधर, तो इसका आगे वाला पोर्शन पोल से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन हम लोग किधर जा रहे हैं, उधर उसी साइड जा रहे हैं। तो अगर वक्रता त्रिज्या का बात करें, वक्रता त्रिज्या का बात करें, आर इज इक्वल टू कितना, वक्रता त्रिज्या पोल से लेके त्रिज्या की दूरी, केंद्र की दूरी वक्रता, केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या, तो पोल से यहां तक गए तो वक्रता त्रिज्या, ये इसका डायरेक्शन इधर और इसका भी डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो ये भी क्या चीज में होगा, पॉजिटिव में ठीक। तो आपका ये कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, क्या कि अगर बोलेंगे कि किसी कोई दर्पण है, वो दर्पण पता नहीं किस प्रकार का दर्पण है, वह दर्पण है जिसका जो फोकस दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अब 30 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है और कोई दर्पण के बारे में ना बताया गया तो वह कौन सा दर्पण होगा, तो 30 सेंटीमीटर क्या चीज में, पॉजिटिव है, +30 है, अगर +30 रहेगा तो वो कौन सा दर्पण लगा होगा, उत्तल दर्पण होगा वो, अगर उसका माइनस में दे दिया हो तो उसका कौन सा दर्पण आएगा, अवतल दर्पण आएगा। तो याद रखिए, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है, वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, नेगेटिव होता है। उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी पॉजिटिव होगा और वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी ठीक। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था और इसी में और देख लेते हैं हम लोग, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी ठीक। तो अब इसी में अगर हम लोग डायग्राम बनाने का कोशिश करें ठीक, दोनों डायग्राम को, तो मैं मिटा देता हूं इसे। तो अगर हम दोनों डायग्राम को बनाने का कोशिश करते हैं तो देखते हैं क्या कि क्या हम लोग को कंक्लूजन मिलता है ठीक। हम लोग कोई भी एक पोजिशन पे लिख लेते हैं किसी को भी, जैसे कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रख लिए यहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्ट को रख लिए, उसके बाद फिर इससे किरण गुजारे, किरण गुजरने के बाद यहाँ से लाइन पास किया, पास करने के बाद फिर एक दूसरा किरण गुजरते जो कि वस्तु के सिर से होते हैं, वक्रता केंद्र से जाए, अब पता वक्रता केंद्र से जाएगा तो कहीं ना कहीं कट करेगा मिरर को, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसी पाथ पे और ये चल देगा ठीक। तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट किए, समझे बच्चों। तो ये ए है और ये बी है, बी डैश है और ये ए डैश है। तो अब अगर बोला जाए वस्तु दूरी ठीक, वस्तु दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी किसको बोलेंगे, पोल से ना, दर्पण ही हुआ एक प्रकार का पोल यहाँ पे, पोल कहाँ पर स्थित है, दर्पण पर ही स्थित है, पोल से वस्तु की दूरी तो क्या कहलाएगी, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी यहाँ पे क्या है, पी है। वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो अब यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये दिमाग लगाओ। आपतित किरण की दिशा किधर, इधर हम आ किधर रहे, पोल से इधर ऐसे आ रहे हैं, क्या चीज में आएगा ये, नेगेटिव। 90% केस में वस्तु दूरी हमेशा क्या चीज में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा ठीक, वस्तु दूरी। उसके बाद फिर अगर बोला जाए यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी कितना होगा, बताओ प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी का बात करते हैं। प्रतिबिंब दूरी क्या है, पोल से लेके प्रतिबिंब की दूरी, पोल से लेके प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो यहाँ पे क्या होगा, P A डैश, ये ना प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किसी लिए नोट करते हैं, बी से। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो अब ये आ रहा है इधर, हम जा कहाँ रहे हैं, पीछे की तरफ, अगर पीछे की तरफ यानी इसका डायरेक्शन इधर है और पोल से हम इधर आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गया, यह क्या चीज में होगा, नेगेटिव में ये भी होगा। अगर वस्तु की ऊंचाई को लिख देते हैं h, वस्तु की ऊंचाई को क्या लिख देंगे, h,
वस्तु की ऊंचाई को एच लिखें और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो इसको एच डैश, इसको यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक। प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर में है ये, तो ये प्लस एच होगा। ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो ये क्या होगा, माइनस एस डैश होगा। वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिख देते हैं एच प्लस में, और प्रतिबिंब की ऊंचाई तो डैश डैश वाला कंसेप्ट था, तो यहाँ पे भी क्या लगा दी, एच डैश लगा दी, ठीक। तो इस टाइप का प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई में आपका कि ये कंसेप्ट था। अब उसी टाइप से अगर हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी वस्तु है और यहाँ गया, फिर ये वापस स्टेप से लौट गया, ऊपर से मिला, दूसरा रूल क्या था, इससे किरण गुजारेंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ठीक। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने के बाद फिर ये जा गया, फिर वापस लौट गया, लेकिन ये वर्चुअली लाइन इधर से इससे क्या करेगा, मिट करेगा, एक दूसरे को यहाँ पे काट, समझे। तो ये तो वर्चुअल बनेगा, तो इसलिए इसको भी डॉटेड से बनाएंगे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसमें, इसके बारे में भी कि अगर वस्तु दूरी किसको बोलेंगे, वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। वस्तु दूरी क्या होगा, वस्तु दूरी यहाँ पे ए है और ये वाला बी है, तो यहाँ क्या बनता है ए डैश और इधर वाला बी डैश। तो अगर वस्तु दूरी बोला जाए तो वस्तु दूरी कहाँ क्या है, यहाँ पे पी ए, वस्तु दूरी क्या है, पी से लेके ए तक, ये ऐसे ए पी मत लिख दीजिएगा, पी से, क्यों, क्योंकि कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से, तो पी से लेके ए तक। तो अब अपतित किरण की दिशा किधर है, इस साइड किधर जा रही है, वो इधर जा रही है, हम आ किधर रहे हैं, इधर आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या चीज में आएगा, माइनस यू। प्रतिबिंब दूरी बात करते हैं, प्रतिबिंब दूरी देखिए क्या होगा, खुद भी दिमाग लगाओ, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी को क्या बोलते हैं, पी से लेके ए तक का डिस्टेंस, पी ए डैश। प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा किधर है, आगे की ओर, आपतित किरण की दिशा आगे है और हम आ किधर है, इधर, तो दोनों का डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन इधर, इसका भी डायरेक्शन इधर, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका प्रतिबिंब दूरी जो होगा वह क्या चीज में होगा, पॉजिटिव होगा। आपतित किरण की दिशा इधर और हम आ रहे हैं इधर, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम, डायरेक्शन सेम देगा तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद फिर अगर वस्तु की ऊंचाई देखें, वस्तु की ऊंचाई क्या है, ए बी, ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, तो मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो ये क्या होगा, प्लस एच होगा, वस्तु की ऊंचाई को एच से डिनोट किए, ए डैश बी डैश, ये भी प्रतिबिंब वस्तु के मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो इसको भी क्या चीज से डिनोट करते हैं, एच डैश, लेकिन ये क्या चीज में होगा, प्लस। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आपका साइन कन्वेंशन का, ये चीज आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाने में सॉल्व, यानी हेल्प, बहुत ज्यादा हेल्प करता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। चलिए ठीक है।